वर्ग एवं वृत्त की समरूपता। इस भाग में हम वर्ग, वृत्त, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जैसी आकृतियों में समरूपता पर चर्चा करेंगे। यहाँ आकृति चार में दो वर्ग दिए गए हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। क्या दोनों वर्ग समरूप हैं? चूंकि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है और इनके कोण बराबर एवं हरेक की चारों भुजाएं समान होती हैं, अतः दोनों वर्गों की सभी भुजाएं समानुपातिक भी होंगी, अतः दोनों वर्ग समरूप हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ग ए बी सी डी की प्रत्येक भुजा को 3 गुना बढ़ाने पर वर्ग पी क्यू आर एस मिलता है, यानी स्केल गुणक 3 है। अब आकृति 5 में दो वृत्त हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्या दोनों वृत्त समरूप हैं? हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को बड़ा करके 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना सकते हैं, या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार या साइज को घटाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त समरूप हैं। कॉपी में अलग अलग त्रिज्या का वृत्त बनाइए और पता कीजिए कि वे समरूप हैं या नहीं। सोचें एवं चर्चा करें, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? अन्य आकृतियों में समरूपता। वृत्त व वर्ग विशेष तरह की आकृतियां हैं। इन्हें केवल एक अवयव भुजा या त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। स्केलिंग करते समय आकृति के रूप को बरकरार रखना होता है जहां इनके लिए समरूपता के गुण मौजूद हैं। अन्य आकृतियों में ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार की आकृतियों के लिए समरूपता जांचने के मापदंड अलग अलग होंगे। तो फिर हमें कैसे पता चले कि कोई दो आकृतियां समरूप हैं अथवा नहीं? इसी के लिए समरूप आकृतियों की कुछ विशेषताएं निर्धारित करना उपयोगी है। बहुभुजों में समरूपता। दो बहुभुजों के समरूप होने का अर्थ है कि यदि उन्हें एक निश्चित स्केल गुणक से बड़ा अथवा छोटा किया जाए, जिससे उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बड़ी अथवा छोटी हो, तो वे दोनों समरूप होंगे। अतः बहुभुजों में समरूपता के लिए सभी संगत कोणों का बराबर होना तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में होना आवश्यक है। अब हम आयत और त्रिभुज में समरूपता को समझेंगे और समरूपता जांचने के तरीके पर बात करेंगे। आयत में समरूपता कैसे जांचें? ग्राफ पर बने आयत के चित्रों को देखिए। आकृति 7। यदि आयत ए बी सी डी मूल आकृति है, तो क्या आयत पी क्यू आर एस और आयत एल एम एन ओ मूल आकृति के समरूप हैं? देखने पर तो यह आकृतियां समरूप दिखती हैं, परंतु वास्तव में यह समरूप है या नहीं हमें पता करना होगा। आयत के प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है, अर्थात सभी आयतों के कोण बराबर होंगे। चूंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अतः आयत में समरूपता जांचने के लिए हमें चारों भुजाओं की नहीं बल्कि दो संलग्न भुजाओं के अनुपात पता करने की जरूरत होती है। आकृति 7 देखकर नीचे बनी तालिका पूरी कीजिए। तालिका 1, भुजाओं की माप, संगत भुजाओं का अनुपात। भुजाओं की माप आयत ए बी सी डी में और आयत पी क्यू आर एस में। आयत ए बी सी डी में ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर 2, जबकि आयत पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर 2 और क्यू आर बराबर 4 है। संगत भुजाओं का अनुपात लेने पर हमें मिलता है पी क्यू बटे ए बी बराबर 2/1 और क्यू आर बटे बी सी बराबर 4/2 जो बराबर है 2/1 के। अतः आयत पी क्यू आर एस और आयत ए बी सी डी की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। यह अनुपात पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी बराबर 2 है। इसलिए पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी बराबर आर एस बटे सी डी बराबर एस पी बटे डी ए बराबर 2। चूँकि आयत पी क्यू आर एस और ए बी सी डी
कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहाँ स्केल गुणक दो है, भुजा पी क्यू भुजा ए बी की दुगनी है, दोनों आयत समरूप हैं। इसे गणितीय रूप में इस तरह लिखेंगे, आयत ए बी सी डी समरूप है आयत पी क्यू आर एस के, जहाँ ये बना हुआ चिन्ह समरूपता का चिन्ह है। तालिका दो, भुजाओं की माप आयत ए बी सी डी के लिए और आयत एल एम एन ओ के लिए, ए बी बराबर एक और बी सी बराबर दो, ये आयत ए बी सी डी के लिए है और आयत एल एम एन ओ के लिए एल एम बराबर 1.5 और एम एन बराबर 3.5। संगत भुजाओं का अनुपात देखने पर हमें मिलेगा एल एम बटे ए बी बराबर 1.5/1 और एम एन बटे बी सी बराबर हमें मिलेगा 3.5/2 यानी 1.75/1। अब तालिका दो को देखकर आयत ए बी सी डी और एल एम एन ओ के बीच तुलना कीजिए। क्या आयत ए बी सी डी और आयत एल एम एन ओ समरूप हैं? यहाँ एक संगत भुजा का अनुपात 1.5 है और दूसरी संगत भुजा का अनुपात 1.75 है। चूंकि संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं हैं, इसलिए आयत ए बी सी डी और आयत एल एम एन ओ समरूप नहीं हैं। करके देखें, चित्र में दोनों चादरें समरूप हैं तो स्केल गुणक कितना होगा? एक्स का मान ज्ञात कीजिए, चादरों के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? रेखाखंडों का समानुपातिक विभाजन, बिंदु L और M रेखाखंड AB और रेखाखंड CD पर स्थित हैं। यदि AL बटे LB बराबर CM बटे MD है तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD L और M द्वारा समानुपातिक रूप से विभाजित हैं। इस नियम का उपयोग हम त्रिभुजों की समरूपता को परखने के लिए करेंगे।